Hello and welcome dear students. So let us begin with solution of the actual problems of amplifiers with feedback. आपको अपने पिछले lectures में मैंने feedback क्या होता है, उसके advantage क्या हैं, उसके various components क्या होते हैं और उसके बाद अगर किसी amplifier में feedback है तो उस negative feedback को कैसे पहचानेंगे, पहचानने के बाद उसको नलीफाई कैसे करेंगे और उसके सॉल्यूशन की क्या मेथड रहेगी। मेथड के लिए हमने कुछ रेडीमेड फॉर्मूले बना रखे हैं, एएफ का, आरआईएफ का, आरओएफ का, अलग अलग फॉर्मूले हमारे पास तैयार हैं। उन फॉर्मूलों तक जाने के लिए हमको बेसिक एम्पलीफायर की आवश्यकता होती है, ज़रूरत होती है। तो बेसिक एम्पलीफायर को ड्रॉ करने का एक एल्गोरिथम, एक मेथडोलॉजी आपको दी जा चुकी है। अब हम एक्चुअल एक प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं। आपकी स्क्रीन के ऊपर एक सर्किट आपको दिखाई पड़ रहा है। ये सर्किट हमने कई बार क्लास में भी डिस्कस किया है, आप एक बार और इसको देख लीजिए। इस सर्किट के अंदर सोर्स वीएस कनेक्टेड है, आरएस इंटरनल रेजिस्टेंस है, आरसी है, आरई है और आउटपुट इस स्थान से, इस जगह से हमने लिया है। ये एक एनपीएन ट्रांजिस्टर है, प्लस वीसीसी इज द बायसिंग बैटरी, दिस इज ग्राउंडेड, सपोज टू बी ग्राउंडेड। अब हम चाहते क्या हैं, हम इस सर्किट को सॉल्व करना चाहते हैं विदाउट यूजिंग द मिलर्स थ्योरम। आप सभी जानते हैं दिस इज ए कैंडिडेट ऑफ मिलर्स थ्योरम, खासतौर पे जो मिलर का ड्यूअल है उसके आधार पर इसको सॉल्व किया जा सकता है। तो उसका इस्तेमाल किए बिना फीडबैक का जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़े हैं आज तक, उस कॉन्सेप्ट की मदद से इस पूरे सर्किट को सॉल्व करना है। यानी इसका गेन निकालना है, कौन से वाला वो तो तब पता चलेगा जब हमको ये मालूम हो कि ये बेसिक एम्पलीफायर किस टाइप का है चार में से। दूसरी चीज, इसमें फीडबैक है या नहीं है, फीडबैक है तो पॉजिटिव है या निगेटिव है। अगली चीज, फीडबैक पता चल गया तो उसको नलीफाई करके बेसिक एम्पलीफायर इसमें से बनाना है और उसको सॉल्व करना है, उसका आर आई निकालना है, उसका आर ओ निकालना है, उसके गेन्स निकालना है। सो दिस इज द बेसिक रिक्वायरमेंट, बेसिक गोल ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम। तो अब मैं आप लोगों से पूछता हूं कि ये जो प्रॉब्लम आपको हमने दिया है, ये एम्पलीफायर पहली चीज किस कॉन्फ़िगरेशन में, सबसे पहला प्रॉब्लम। तो कॉन्फ़िगरेशन पहचानने में आपको कोई विशेष परेशानी नहीं होगी, आपने मेरी क्लासेस अटेंड की है, आपको पता है इनपुट हमने बेस पर दिया है और आउटपुट हमने इमीटर से लिया है। सो दिस शुड बी ऑन इमीटर फॉलोअर और कॉमन कलेक्टर। ये एक इमीटर फॉलोवर, वोल्टेज फॉलोवर या कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर है, इसमें तो कोई शंका नहीं है। अब दूसरी बात, इसमें फीडबैक है या नहीं है। तो फीडबैक है या नहीं है वो पता लगाने के लिए काम करते हैं, पहले हम इसका सिग्नल इक्विवेलेंट मॉडल बना लेते हैं। यानी इसमें से डीसी को एलिमिनेट कर देते हैं, जैसे कि हमने चैप्टर 7 में देखा था, डीसी को एलिमिनेट कर देते हैं और सिग्नल के पर्सपेक्टिव से इस सर्किट को रिड्रॉ करते हैं। तो अगर सिग्नल के पर्सपेक्टिव से इस सर्किट को रिड्रॉ करेंगे, लेट मी टेल यू, हम वीसीसी को ग्राउंड से मिला देंगे तो सर्किट कुछ बदल जाएगा। सर्किट कुछ ऐसा नजर आएगा आपको। अभी मैं ओरिएंटेशन नहीं बदल रहा हूं सर्किट का, आप भी बनाइए, अपनी कॉपी में बना लीजिए। सपोज थोड़ी देर के लिए ग्राउंड हटा देते हैं, क्यों हटाते हैं भी आपको पता चलेगा। ग्राउंड हटाने से मैथमेटिकली कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस हमारे जो रेफरेंस था यहां पर वो हट जाएगा, बाकी पोटेंशियल डिफरेंस में कहीं डिफरेंस नहीं आता उससे। तो ये आर ई है, ये आपका आरसी है, बट बाय द वे आउटपुट यहां से नहीं ले रहे हैं, आउटपुट यहां से ले रहे हैं, आरएस यहां है। अब पहले ये देखिए कि ये जो एम्पलीफायर है इसको आप चार में से किस कैटेगरी में डालेंगे। आप इसको
वोल्टेज एम्पलीफायर मानना चाहेंगे, करंट एम्पलीफायर, ट्रांस कंडक्टेंस या ट्रांस रेजिस्टेंस की कैटेगरी में डालेंगे। डोंट से दैट कि सर आपने ये तो पढ़ाया था कि इमीटर फॉलोअर इज अ वेरी गुड, इट प्रोवाइड्स वेरी गुड करंट गेन। करंट गेन ये बहुत बड़ा देता है आउट ऑफ इट्स कॉन्टेम्पोररीज, आउट ऑफ इट्स पीयर्स, लेकिन उसके बावजूद जरूरी नहीं कि जिसका करंट गेन ज्यादा हो करंट एम्पलीफायर की कैटेगरी में डाला जाएगा। आप याद कीजिए कि जब हमने चार कैटेगरीज डिसाइड करी थी उसमें गेन्स के मैग्नीट्यूड के बारे में बात कहीं नहीं की थी। हमने कहा था आर आई और आर ओ का जो रिलेटिव मैग्नीट्यूड है एज कंपेयर टू आर एस एंड आर एल, ये डिसाइड करता है कि चार में से किस कैटेगरी में उसको सिचुएट करना है। तो अभी हम देखते हैं कि इसको हम किस कैटेगरी में डालेंगे। पहली चीज, इसमें फीडबैक किस प्रकार का है, तो फीडबैक है या नहीं है, तो फीडबैक तो है। रीजन ये है कि ये हमारा आउटपुट लूप है और ये हमारा इनपुट लूप है। अगर आप गौर से देखें तो इसमें एक रेजिस्टेंस ऐसा है जो आउटपुट और इनपुट दोनों के बीच में कॉमन है। कैन यू ट्रेस आउट, ये वाला, ये आउटपुट और इनपुट दोनों के बीच उभयनिष्ठ है, कॉमन है। लेकिन अगर ये फीडबैक प्रोवाइड कर भी रहा है तो इसमें सैंपलिंग कौन सी हो रही है और मिक्सिंग कौन सी हो रही है। तो पहले मिक्सिंग पर फोकस कीजिए। इसमें जो मिक्सिंग हो रही है वो शंट वाली तो बिल्कुल नहीं हो रही है। कारण अगर शंट वाली हो रही होती तो यहां से निकल रहा होता कोई करंट। यहां पर लूप में मिक्सिंग हो रही है, तो एक चीज तो स्पष्ट है, यहां पर मिक्सिंग जो है वो सीरियल है या सीरीज मिक्सिंग है। अगर सीरीज मिक्सिंग है तो जो फीडबैक होगा वो वीएफ के रूप में होगा, वोल्टेज के फॉर्म में होगा। अब वीएफ कहां पे पाया जाता है, तो वीएफ देख लीजिए, वीएफ यहां पाया जाता है प्लस टू माइनस, आउटपुट भी यहां पाया जाता है प्लस टू माइनस। तो जो वीओ है एक्चुअली वो पूरा का पूरा वीएफ भी है। यानी इस तरफ से देखें तो हमको वीओ नजर आ रहा है फ्रॉम आउटपुट पॉइंट ऑफ व्यू, इनपुट के सर्किट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमको वीएफ की मिलावट नजर आ रही है। तो वीएफ यहां पर मिक्स हो रहा है किसके साथ, वीएस के साथ, प्लस टू माइनस एंड प्लस टू माइनस। यू कैन सी दे आर इन अपोजिशन टू ईच अदर, यानी वीएस और वीएफ एक दूसरे की मुखालिफत कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, यानी ये निगेटिव फीडबैक तो है, दिखाई पड़ रहा है। अगर ये वीएफ इसको हेल्प कर रहा होता तो हम पॉजिटिव फीडबैक मानते। तो पता चल गया कि फीडबैक तो है और फीडबैक में भी मिक्सिंग पता चल गई, सीरियल मिक्सिंग है, या यूं कहें वोल्टेज की मिक्सिंग हो रही है, वीएफ की मिक्सिंग हो रही है। अब सैंपलिंग कैसे हो रही है, मैं बेसिकली आपको पहले सैंपलिंग का एक थंब रूल दे देता हूं। थंब रूल यह है कि अगर जिस जगह से आउटपुट लिया है आपने और उसी स्थान से फीडबैक शुरू हो जाता है, आई रिपीट, जिस जगह से आउटपुट लिया है, वोल्टेज लिया है, आउटपुट वोल्टेज, अगर वहीं से फीडबैक का सर्किट शुरू हो जाता है तो यह आमतौर पर वोल्टेज सैंपलिंग की कैटेगरी में आता है। ये तो हुआ इसका थंब रूल, ये हुआ इसका गुरु मंत्र। आप में से कोई कह सकता है कि ठीक है सर, मान लीजिए किसी व्यक्ति से गलती हो जाए, आपने उसको सही सिखाया लेकिन उसने वोल्टेज सीरीज पढ़ने के बजाय इसको करंट सीरीज मान लिया। करंट सीरीज मान लिया तब जब अपना बीटा निकालेगा तो उसको प्रॉब्लम आएगी। हम बीटा निकालेंगे तो हम वीएफ अपॉन वीओ के आधार पर निकालेंगे। और जिस इंसान ने इसको करंट सीरीज मान लिया होगा वो बीटा रॉन्गफुली निकालेगा वीएफ अपॉन आईओ के फॉर्मेट में, तो दोनों का आंसर तो सेम नहीं आएगा। अब कैसे पता चलेगा कि हमारा आंसर सही है या हमारे अपोनेंट का, तो आंसर ये है कि आप ये पहचान लगा लीजिए कि बीटा अगर आपने करेक्ट निकाला है तो बीटा विल ऑलवेज बी इंडिपेंडेंट ऑफ आरएल एंड आरएस। बीटा को आरएल और आरएस के स्वतंत्र होना चाहिए, यानी उसके अंदर आरएल और आरएस का फैक्टर या टर्म नहीं पाई जाना चाहिए। ये बेसिक थंब रूल है। आप थोड़ी देर में देखिएगा कि अगर मैं इसको रॉन्गफुली करंट सीरीज मान लेता तो बीटा में आरएल का इफेक्ट कैसे आता, मैं आपको थोड़ी देर में दिखाता हूं। अभी मान लीजिए मैंने सही गुरु मंत्र आपको दे दिया और आपने उसको एक्सेप्ट भी कर लिया, आपने समझ लिया, आपने बोला ठीक है हमको समझ में आ गया सर कि जहां से आउटपुट लिया अगर वहीं से फीडबैक स्टार्ट होता है तो वोल्टेज सैंपलिंग मानेंगे, मिक्सिंग तो लूप में अलग ही दिखाई पड़ रही, शंटिंग कहीं होती भी दिख नहीं रही पैरेलल में, तो सीरीज मिक्सिंग है।
इस एग्जाम्पल से पता चला, ज्यादा मुश्किल सैंपलिंग को पहचानना होता है, मिक्सिंग तो आमतौर पर आसानी से पता चल जाता है। दूसरी चीज, बीटा को निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है। बीटा सही निकाल लिया, समझ लीजिए आपने ये लड़ाई जीत ली करीब करीब। तो वेल बिगन इज हाफ डन। आप शुरुआत सही करेंगे, प्रॉब्लम को सही स्टडी करेंगे, आइडेंटिफिकेशन करेक्ट है, तो आगे की सब चीजें सही जगह पर अपने आप पड़ती चली जाएगी और सही आंसर आपको मिलेगा। तो इस सर्किट को, इमिटर फॉलोअर को ऐसा बनाया, आपको हमने एहसास दिला दिया, पता लगा दिया, बता दिया कि फीडबैक तो है और फीडबैक का एलिमेंट कौन है, आरी है। अब हमारा जो अल्गोरिथम है वो आपके पास है, मैं उस अल्गोरिथम का इस्तेमाल करके अगर बीटा निकालूं तो बीटा की वैल्यू हो जाएगी फ्रॉम हियर वीएफ अपॉन वीओ, और बाय द वे वीएफ एग्जैक्टली वीओ के बराबर है इस सिचुएशन में, तो बीटा आ जाएगा 1, यानी 100% फीडबैक है। जितना आउटपुट है पूरा का पूरा कोई व्यक्ति इसमें इनपुट में मिलावट कर रहा है, मिक्स कर रहा है। सो इट्स पॉसिबल, फीडबैक कभी 0.2 होता है, कभी 0.1 होता है, कभी कम होता है, कभी ज्यादा होता है, बट मैक्सिमम कितना हो सकता है, 100% हो सकता है। तो आपने 100% फीडबैक की मिलावट यहां पर कर दी है। दूसरी बात, मैं आपको फिर याद दिला दूं कि अब की बार आरएस को हम सोर्स के साथ नहीं जोड़ेंगे, आरएस को हम एम्पलीफायर का एक हिस्सा मान लेंगे, यानी आरआई हम जिसको कहते थे पहले, इसके बाद मानते थे आरआई को, अब आरआई यहां से निकलेगा, यानी आरआईएफ। Why did I call it RIF? Because अभी फीडबैक इसमें है, तो RIF यहां से देखने पर what will be ROF? जब हम लोड को हटाएंगे और लोड की खिड़की से जब इसको देखेंगे तो जो होगा वो ROF होगा। RC लोड नहीं है, RC is merely a resistance connected in the emitter path. RE is the load because it is connected across the output node. Let's begin. अब इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन शुरू करते हैं। आप अल्गोरिथम देख लीजिए, अल्गोरिथम देखते जाइए जैसा हमने बताया। सबसे पहली चीज हमने क्या बताई थी कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप एक एक करके सैंपलिंग खत्म करेंगे और मिक्सिंग खत्म करेंगे। जब सैंपलिंग खत्म करेंगे, इनपुट को देखेंगे, उसका नजारा देखेंगे और इनपुट को ड्रॉ करेंगे। तो पहले सैंपलिंग को खत्म करते हैं। तो देखिए, मैंने जो अल्गोरिथम लिखाया है उसमें सैंपलिंग को कैसे खत्म कराया था, मैंने कहा था सैंपलिंग को खत्म करने के लिए आउटपुट नोड मस्ट बी वोल्टेज, सैंपलिंग को खत्म करने के लिए आउटपुट नोड शुड बी शॉर्टेड। जैसे ही मैं आउटपुट नोड को शॉर्ट करूंगा, आरी यहां पर ऑब्सक्योर हो जाएगा, छुप जाएगा, ढक जाएगा, और जैसे आरी यहां पर छुपेगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, इनपुट सर्किट मुझे कैसा दिखाई पड़ेगा। इनपुट सर्किट जो मुझे दिखाई पड़ेगा उसमें वीएस होगा, आरएस इसका पार्ट माना जाएगा और यहां पर कोई रेजिस्टेंस मुझे दिखाई नहीं देगा। तो इनपुट सर्किट मैं रिड्रॉ कर देता हूं। इनपुट सर्किट अब ऐसा दिखेगा। वीएस, आरएस, ट्रांजिस्टर और यहां पर कोई रेजिस्टेंस नहीं। मैं ग्राउंड जानबूझ के हटा रहा हूं, आप ग्राउंड के चक्कर में मत पड़िए, प्लस माइनस। तो मैंने पार्शियली सर्किट ड्रॉ किया है, इनपुट ड्रॉ किया है, और इनपुट कब ड्रॉ किया है, जब आउटपुट नोड को मैंने शॉर्ट किया। शॉर्ट क्यों किया, क्योंकि हमारी कार्य पद्धति है, हमारा तरीका है कि अगर वोल्टेज सैंपलिंग हो रही तो आउटपुट नोड को शॉर्ट करेंगे। कर दिया मैंने, इनपुट बना लिया। अब वापस से ओरिजिनल बना लीजिए थोड़ी देर के लिए। ओरिजिनल सर्किट क्या था भाई, ओरिजिनल सर्किट ये था। अब क्या करना है, लुक एट द एल्गोरिथम। इनपुट लूप बना लिया बेसिक एम्पलीफायर का, अब आउटपुट लूप बनाना है। तो मिक्सिंग पे फोकस करेंगे। मिक्सिंग कौन सी वाली है, सीरियल मिक्सिंग है। सीरियल मिक्सिंग को खत्म करने के लिए द लूप हैज टू बी ब्रोकन। लूप को काटना है, यानी कौन से लूप को, इनपुट लूप को, सो दैट इनपुट करंट बिकम्स जीरो। ऐसा करने के बहुत तरीके हैं। मैं लूप को यहां से काट दूं, नंबर वन, मैं लूप को यहां से काट दूं, नंबर टू, यहां से भी काट सकता हूं, यहां से काट सकते हैं, यहां से काट सकते हैं।
तो व्हाट इज द करेक्ट पोजीशन ऑफ कटिंग दिस पर्टिकुलर लूप, इस लूप को काटने का सही स्थान कौन सा है। याद रखिए आप कट उस जगह लगाइए जिससे आउटपुट सर्किट डैमेज ना हो, जो भी चेंजेस आए वो मात्र इनपुट इनपुट में आए। अगर मैं इस लाइन में कट लगाऊंगा तो उसका प्रभाव दोनों जगह जाएगा एंड इट विल नॉट बी परमिसिबल। सो द करेक्ट पोजिशन टू कट इज आइदर हियर और हियर, सो आई कट फ्रॉम हियर, सो नो सूनर देन आई डिसरप्ट, मैं इसको काट देता हूं, इनपुट करंट मेरा जीरो हो जाएगा। अब यहां से कोई करंट नहीं जाएगा, अब कोई करंट नहीं जाएगा तो इनपुट आउटपुट में कोई मिलावट नहीं होगी। अब यहां पे सिर्फ मुझे एक आउटपुट सर्किट दिखाई देगा। आउटपुट सर्किट में मुझे क्या दिखाई दे रहा है, ट्रांजिस्टर का कलेक्टर, इमिटर, आरसी और आरई, जिसमें करंट ऐसे फ्लो हो रहा है प्लस टू माइनस इस तरह से। अब सर्किट कुछ इनपुट और आउटपुट का अलग अलग बनाना है तो आरई को मैं यहां नहीं रख सकता, तो आरई को मैं ट्रांसलेट करूंगा यानी शिफ्ट करके इधर ले जाऊंगा ताकि आउटपुट और इनपुट में किसी तरह का कोई विवाद बाकी ना रहे। तो सर्किट ऐसा बन जाएगा अगर हम इसको विजडम के साथ बनाएं, द सर्किट शैल बिकम लाइक दिस। देखिए सर्किट बन गया रिलेटिवली, आरसी अभी भी यहां है, आरई को मैंने यहां कर दिया, आउटपुट सर्किट कंप्लीट हो गया। और प्लस माइनस वीओ कहां था, वीओ यहां था प्लस टू माइनस, ये मेरा वीएफ भी था और प्लस टू माइनस ये मेरा हमारा वीओ भी था। सो टू से आरसी के क्रॉस आउटपुट नहीं दिया, सेम सर्किट हैज बीन रीड्रॉन। तो आप देख लीजिए हमने एक बार सैम्पलिंग को नलीफाई किया, एक बार मिक्सिंग को नलीफाई किया, एक बार इनपुट सर्किट को बनाया और एक बार आउटपुट सर्किट को बनाया। ये जो सर्किट बना आप इसको कह सकते हैं दिस इज बेसिक एम्पलीफायर विदाउट फीडबैक बट प्रिजर्विंग द लोडिंग इफेक्ट। हमने लोडिंग इफेक्ट को प्रिजर्व किया है, ऐसा नहीं करा कि आरी को गायब कर दिया सर्किट में से, आरी को प्रिजर्व किया है, उसके लोडिंग इफेक्ट को प्रिजर्व किया है। तो बेसिक एम्पलीफायर बन गया और इस कैटेगरी में ये आ गया। वीओ हमने आपके सामने मार्क कर दिया है, अब इसको सॉल्व करना है। तो मैं आपको बता दूं क्योंकि आप सबने हमने सर्वसहमति से इसको वोल्टेज सीरीज टोपोलॉजी माना है। तो ये जो सर्किट है दिस इज मोस्ट सुटेबल फॉर वोल्टेज एम्पलीफायर कैटेगरी। क्या अजीब बात है कि ये एम्पलीफायर को हम वोल्टेज एम्पलीफायर कैटेगरी में डाल रहे हैं लेकिन ये वोल्टेज गेन वन से ज्यादा नहीं दे सकता बल्कि वन से कम ही कम देगा। आप समझ लीजिए गेन की वैल्यू यहां पर प्रायोरिटी नहीं है, आर आई आर ओ की रिलेटिव वैल्यू आर एस और आर एल के साथ ज्यादा प्रायोरिटी है और वोल्टेज का स्टेबिलाइजेशन यहां पर इंपॉर्टेंट है। तो देर इज नो कॉन्ट्राडिक्शन इन अवर अर्लियर स्टडीज एंड दिस वन। चलिए फटाफट देख लेते हैं, ये सर्किट बन गया, अब मुझे करना क्या है, मुझे इसका एवी निकालना है। एवी क्या होता है, इट शैल बी वीओ अपॉन यस वीआई, और वीआई अब की बार मैं इसको नहीं बोलूंगा, वीआई मुझे मजबूरन इसको ही मानना पड़ेगा कारण हमने आर आई अब यहां से ले लिया है, आर एस को हमने अब इसका पार्ट मान लिया है, आर एस हैज बीन इंटीग्रेटेड और क्लब्ड विद द एम्पलीफायर सर्किट। तो वी आई की जगह मैं यहां वी एस रख दूंगा, मतलब यह हुआ कि पिछले प्रॉब्लम्स में जो एवीएस होता था वो अब इस प्रॉब्लम्स में एवी बन गया है इस चैप्टर में, तो उसको एवीएस नहीं बोलते हुए अब एवी बोलेंगे। तो एवी की वैल्यू आप निकाल सकते हैं यहां से, अगर हम लो फ्रीक्वेंसी एनालिसिस करें और लो फ्रीक्वेंसी एनालिसिस में भी आप देखेंगे कि हम ज्यादातर स्थान पर सिंप्लीफाइड मॉडल्स का यूज करेंगे। तो दोस्तों यहां पर जो आउटपुट करंट है वो मैंने आयो मान लिया, ये हमारा आईसी है और ये करंट हमने आईबी मान लिया, चाहो तो आई आई बोल दो डजंट मैटर। तो बताइए वीओ के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, वीओ कैन बी रिटन एज लुक हियर इट विल बी माइनस आयो इंटू आरी। कौन बताएगा माइनस क्यों आया, माइनस इसलिए आया
क्योंकि आयो ऊपर से नीचे जा रहा है, जबकि हमने प्लस माइनस इसका उल्टा माना हुआ है, प्लस इधर माना है माइनस इधर माना हुआ है, तो दोनों में फेज इन्वर्जन है। ऑर्डिनरी करंट जो होता है प्लस टू माइनस जाता है, यहां पर उल्टा ले लिया है। हाँ, अगर मैं आईसी लेता तो प्लस आईसी आर ई लिखता, दैट वुड हैव बीन करेक्ट। तो आयो इस सर्किट के हिसाब से माइनस आयो आर ई हो जाएगा। और वी आई क्या हो जाएगा? वी आई इज एज गुड एज वी एस विल बी सेम एज आई बी इंटू, बोलिए, आई बी इंटू आर आई, ये हो जाएगा हमारा आई बी इंटू आर आई। चलिए सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज, तो ए बी की वैल्यू आ जाएगी, ए बी की क्या वैल्यू आ जाएगी? माइनस आयो अपॉन आई बी इंटू आर ई अपॉन आर आई। ये फॉर्मूला आपके लिए नया नहीं है, दिस इज सेम एज ए आई ए आई। आप माइनस ए आई तो नहीं बोल सकते, उसको रीजन आपको पता है, क्योंकि ये इमिटर फॉलोअर सर्किट है, तो उसमें करंट आउटपुट करंट ऐसा नहीं लिया जाता, ऐसा ही लिया जाता है इनफैक्ट। तो ठीक है, अच्छा दूसरी चीज ये है कि हमको पहले ए वी नहीं निकालना चाहिए, हमको पहले आर आई निकालना चाहिए। तो इस सर्किट का आर आई क्या होगा भाई? इस सर्किट का आर आई क्या होगा अगर हम सिंप्लीफाइड मॉडल यूज करें तो? अगर आप सिंप्लीफाइड मॉडल यूज करें तो इसका आर आई हो जाएगा, इफ यू अलाउ मी आई कैन रिड्रॉ द सर्किट, यहां पे आ जाएगा आपका एच आई, और यहां आपका आ गया इमीटर, और इमीटर और कलेक्टर के बीच में एक करंट सोर्स एच एफ ई आई बी बोल लीजिए इस डायरेक्शन, और ये हो गया आपका इमीटर करंट, जो इन दोनों का समायोजन होगा, कॉम्बिनेशन होगा, मिलजुल के आएगा। इस सर्किट को अगर आप गौर से देखें तो आपका आर आई कितना आ रहा है? इट्स वेरी सिंपल, आर आई इस सर्किट के मुताबिक, पिछले चैप्टर से मत देखिएगा, इस चैप्टर के मुताबिक हो जाएगा आर एस प्लस एच आई। आप किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ लगा के देख लीजिए, आर आई की डेफिनेशन लगा के देख लीजिए, वो हो जाएगा वी एस अपॉन आई वी। केवीएल लगाएंगे, कोई डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है नहीं तो दिक्कत वाली कोई बात भी नहीं। तो आर आई की वैल्यू आ गई वी एस अपॉन आई बी इक्वल टू आर एस प्लस एच आई ई। अब और किसकी जरूरत है? ए आई की। ए आई किसके बराबर होगा? मैंने ऑर्डर बदल दिया, आप मत टेंशन लीजिएगा, आप ऑर्डर में चलिएगा, आप पहले करंट गेन निकालना, फिर आर आई निकालना, फिर ए वी निकालना। मैंने यहां पर समझाने के लिए उल्टा कर दिया है, कारण मैं मान के चल रहा हूं कि आपको वो सब आता है। तो ए आई निकालेंगे, ए आई क्या होगा सिंप्लीफाइड मॉडल के हिसाब से? ए आई इस सिचुएशन में हो जाएगा आपका एच एफ ई के बराबर, बल्कि वन प्लस एच एफ ई के बराबर। हाउ डू यू नो? क्योंकि आउटपुट करंट इसमें से जाता है ओरिजिनली आई, तो ए आई हो जाएगा आपका आई ई अपॉन आई बी, एंड इट शुड बिकम वन प्लस एच एफ ई। आई बी से आई बी कट जाएगा और इसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी। तो एक्चुअली हमसे गलती हुई है कि हमने जो आयो ऊपर से लिया था, हमको आयो शुरुआत में ऐसे ही ले लेना था, तो कोई दिक्कत ही नहीं आती। चलिए आप इसको रेक्टिफाई कर लीजिएगा, जो आयो मैंने उधर से दिया था आप इसको इधर से ले लीजिएगा, टू बी मोर करेक्ट। अब क्या बचा? ए आई की वैल्यू आ गई, आर आई की आ गई, ए वी की वैल्यू सर्वज्ञात है, ए वी होता है ए आई आर एल, आर एल इज आर ई अपॉन आर आई, तो आ जाएगा ए आई की जगह लिख देंगे वन प्लस एच एफ ई, आर ई की जगह आर ई, और आर आई की जगह आर एस प्लस एच आई। ये बन गया आपका ए कैपिटल वी।
याद दिलाइए कि बीटा की वैल्यू कितनी निकाली थी। बीटा की वैल्यू हमने यहां पर निकाली थी 1। आप पिछली स्लाइड्स देखी, बीटा की वैल्यू हमने निकाली थी 1। अच्छा, बीटा की वैल्यू 1 आ गई, आर आई की वैल्यू पता चल गई, एवी की वैल्यू पता चल गई। एक चीज और पता लगा लीजिए, और वो क्या? आर ओ की वैल्यू। अगर मैं इसको हटा दूं यहां से, इनपुट को शॉर्ट कर दूं, इनपुट को शॉर्ट कर दूं और यहां से झांक कर देखें आर ओ निकालने के लिए, कौन बताएगा आर ओ कितना आएगा? बताइए आर ओ कितना आएगा? आप निकाल के देखिए जब तक मैं रब कर रहा हूं बोर्ड को। आर ओ आएगा, अगर हम अपनी तरफ से एक वोल्टेज सोर्स यहां लगा देते, आप उसको वी टू बोल दीजिए चलिए, और इस करंट को आई टू बोल दीजिए जो उसने अपने अंदर भेजा है, प्लस टू माइनस, तो क्या होता इस सर्किट के हिसाब से? आई टू विल बी गवर्न्ड बाय दिस, क्योंकि ये सीरीज में, जब करंट सोर्स सीरीज में होता है तो डोमिनेट करता है, तो आई टू की वैल्यू आ जाती है आपकी एच एफ ई आई बी के बराबर। आई बी की वैल्यू क्या हो जाती फ्रॉम दिस सर्किट? आई बी की वैल्यू आप इस लूप में अगर जाकर लगाएंगे तो जीरो हो जाएगी। क्यों जीरो हो जाएगी? बिकॉज केवीएल लगाएंगे यहां पर, कोई सोर्स नहीं है, तो आई बी की वैल्यू मुझे जीरो लेना पड़ेगा, और यहां पर वोल्टेज जो आ रहा है वो ऑलरेडी जीरो है, तो इसके अक्रॉस जो करंट फ्लो होगा वो जीरो, तो आई टू जीरो हो जाएगा। आई टू जीरो हो जाएगा तो हमारा जो आर ओ है वो इन्फिनिटी हो जाएगा। आर ओ के बारे में बात मत कीजिए, आर ओ डैश के बारे में बात करिए। तो आर ओ डैश हो जाएगा आर ओ इन पैरेलल विथ आर एन, इस प्रॉब्लम में आर ओ इन पैरेलल विथ आर ई हो जाएगा। तो इन्फिनिटी जब आर ई के साथ पैरेलल कॉम्बिनेशन देगा तो आर ई आ जाएगा, यानी आर ओ डैश हो गया आर ई। अब मैं समराइज कर देता हूं, आपका ए वी आया 1 प्लस एच एफ ई, देखी कॉपी में 1 प्लस एच एफ ई, फिर आर ई अपॉन आर एस प्लस एच आई। आर आई क्या आया था? आर एस प्लस एच आई। और आर ओ डैश कितना आया? आर ओ छोड़ दीजिए, आर ओ डैश कितना आया? आर ई के बराबर। बीटा कितना आया? 1 के बराबर। तो डी सेंसिटिविटी फैक्टर कितना हो जाएगा? डी सेंसिटिविटी फैक्टर कैपिटल डी, कैपिटल डी। आई हैव टू रब इट आउट, जगह कम है तो उसको मिटाना पड़ेगा, आप बनाते जाइए, आप उसको पीछे जाकर भी वीडियो में देख सकते हैं, कुछ समझ में नहीं आया। तो कैपिटल डी हो जाएगा 1 प्लस ए कैपिटल वी बीटा इक्वल टू 1 प्लस ए कैपिटल वी की वैल्यू 1 प्लस एच एफ ई आर ई अपॉन आर एस प्लस एच आई, और बीटा की वैल्यू 1। आप एलसीएम ले लीजिए, डी की वैल्यू आ जाएगी आर एस प्लस एच आई, आर एस प्लस एच आई। सॉरी, थोड़ा सा लाइट का प्रॉब्लम हो गया, पावर कट ऑफ का, तो आप थोड़ा सा बियर विद द क्वालिटी। तो डी की वैल्यू आ गई आर एस प्लस एच आई, एलसीएम ले लिया, आर एस प्लस एच आई यहां आ गया, और प्लस प्लस एच एफ ई आर ई, आर एस प्लस एच आई प्लस 1 प्लस एच एफ ई आर ई अपॉन आर एस प्लस एच आई। सो वंस यू गेट कैपिटल डी, रेस्ट बिकम्स वेरी इजी, क्योंकि आपके पास बने बनाए फॉर्मूले हैं। मैं आपसे मांगता हूं एवीएफ, एवीएफ हो जाएगा एवी बाय डी। एवी आपने अभी पहले निकाला है, डी की वैल्यू यहां निकालिए, दिस इज एन असाइनमेंट, इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, फॉर्मूला रटने की कोई जरूरत नहीं है, करके देख लीजिएगा। आर आई एफ क्या होगा? आर आई एफ विल बी
आर आई मल्टीप्लाइड बाई डी, हाउ डू यू नो? सीरीज मिक्सिंग हो रही है, सीरीज मिक्सिंग में इनपुट इम्पिडेंस बढ़ता है, डी की वैल्यू पता है, आर आई की वैल्यू पहले निकाल चुके हैं। आर ओ एफ क्या होगा? आर ओ एफ मत निकालिए, आर ओ एफ डैश निकालिए। तो आर ओ एफ डैश विल बी आर ओ डैश, हाँ, आर ओ डैश डिवाइडेड बाय डी। आप ये कर लीजिएगा। तो दिस इज एन असाइनमेंट टू यू, ये आपका एक असाइनमेंट कंप्लीट हो गया। तो आपने सारी वैल्यूज निकाल ली, आपने ए वी एफ निकाल लिया, आर आई एफ निकाल लिया, आर ओ एफ डैश निकाल लिया और सब वैल्यूज फाइंड आउट कर ली। एक असाइनमेंट हम आपको और दे रहे हैं कि मान लीजिए सेम प्रॉब्लम में कोई व्यक्ति गलती से इसको करंट सीरीज, कोई व्यक्ति अगर इसको करंट सीरीज टोपोलॉजी मान लेता बाय मिस्टेक, तो उसका बीटा क्या आता? ये आपका असाइनमेंट है और मैं पहले से प्रेडिक्ट कर देता हूं उसके आंसर में आर एल आएगा, एंड दैट इटसेल्फ इज इन रॉन्ग आइडियोलॉजी, कि आपने जो सोचा है वो बिल्कुल गलत सोचा है, आपका करेक्शन आंसर बिल्कुल गलत है। बीटा में आर एल और आर एस हो ही नहीं सकता, बीटा में अगर आर एल और आर एस आ रहा है यानी कहीं ना कहीं बहुत बड़ी गलती आप कर रहे हैं। सो लेट्स स्टॉप हियर। एक मैंने आपके सामने एक एग्जाम्पल पेश किया है, अब हम एक्चुअल एग्जाम्पल्स में जाते जाएंगे, एक एक करके सारे टाइप की टोपोलॉजीज को समझेंगे, फिर जो अनसॉल्व प्रॉब्लम्स है उसको भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच।